हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सिंबोलिज्म इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री सिंबोलिज्म है क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरह एक सिम्बलिस्ट हैं और कौन कौन से सिंबल्स हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोइटी में यूज़ किए हैं इनके बारे में आज हम लोग तफसील से बात करेंगे इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगी कि अगर ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन आ गया तो हम इसको किस तरह अच्छे से अटैम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन के सिम्बोलिज़म है क्या द यूज़ ऑफ सिम्बल्स टू रिप्रजेंट आइडियाज़ और क्वालिटीज़ इज़ कार्ड सिम्बोलिज़म अब सिंबल्स के थ्रू अपना मीनिंग जो है अपना आइडिया जो है वो कन्वे करना इस प्रोसेस को कहते हैं सिंबोलिज्म। सिंबल्स क्या होते हैं सिंबल्स जो हैं वो वर्ड्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स सपोज दैट फ्लावर्स हो सकते हैं ये स्टोन हो सकते हैं स्टार्स हो सकते हैं इसके थ्रू मैसेज जो अपना मीनिंग जो है वो, वो कॉन्सेप्ट कन्वे uh, uh, करना इस प्रोसेस को कहते हैं सिम्बोलिज़म इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है वो है अ सिंबल इज़ समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया एंड अ प्रोसेस अब जो सिंबल है वो आइडिया uh, को uh, जो है वो रिप्रेजेंट करता है लेकिन द पर्पज़ ऑफ सिंबल इज़ टू कम्युनिकेट मीनिंग अब जो सिंबल का जो पर्पज़ है वो क्या है कम्युनिकेशन ये किस तरह से होगी एक जो सिंबल सब हम यूज़ कर रहे हैं उसके दो मीनिंग होते हैं ना एक तो उसका लिटरल मीनिंग दूसरा होगा उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा उसी से ही जो कॉन्सेप्ट है राइटर का पोइट का तो वो जो है कन्वे होगा ठीक है इस तरह से कम्युनिकेशन हो जाएगी अब जो सिम्बल्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री में यूज़ किए गए हैं वो हैं स्टोन्स हैं वुड्स हैं और उसके अलावा फ्लावर्स हैं इसके अलावा जो प्रोमिनंट सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं वो है डार्कनेस अब डार्कनेस जो है ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है डार्कनेस ग्लूमीनेस को हॉरिबल पैटर्न ऑफ यूनिवर्स को उसके अलावा पावर को रिप्रेजेंट करती है अब स्नो जो है स्नो कूलनेस है एविल और क्रुएलिटी को रिप्रेजेंट करेगी ये सिम्बोलिज्म जो है और इसके अलावा स्टार्स जो, स्टार जो है ये किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं स्टार्स ब्यूटी और परफेक्शन को सिंबलाइज करते हैं बैरियर्स जो हैं ये सिंबलाइज करते हैं हर्डल्स को अब ये बैरियर्स एक इंसान को दूसरे इंसान से प्रोमिनेंट करते हैं जिसकी लाइफ में जितनी ज़्यादा हर्डल्स आएंगी वो इंसान उतना ही ज़्यादा पॉलिश करेगा अपनी अबिलिटीज़ को और उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा उसके अलावा सिम्बोलिज़म जो है ये एक प्रोमिनेंट फीचर रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री का अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसका अपनी पोइम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ तो किया है सिम्बल्स का और ये किस चीज़ लिए ये सिर्फ़ ब्यूटी ऑफ नेचर को एग्जैजरेट करने के लिए सिंबल्स यूज़ नहीं किए बल्कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री में जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं उसकी फिलोसफिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है ठीक है अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सिम्बोलिज़म के बारे में हॉमैन ने कहा है कि यूज़ ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू सजेस्ट एन अदर इन लिटरेचर द प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ बाय सिंबल्स और गिविंग थिंग्स अ सिंबॉलिक मीनिंग अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ब्यूटिफुली अपने जो आइडियाज़ हैं वो सिम्बल्स के थ्रू अपने रीडर्स को कन्वे किए हैं अब अमेरिकन लिटरेचर में सबसे पहले जो प्रोमिनंट सिम्बलिस्ट रहे हैं उनमें हॉथॉर्न मेवल यीट्स एज पाउंड और डायलन थॉमस रहे हैं बाद में जो थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल की एज़ अ सिम्बुलिस्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोइम्स में जो स्टाइल यूज़ किया है उनका ट्रेडिशनल राइम्स यूज़ किए हैं उनका जो मटेरियल था वो ब्लैंक वर्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोइटिक uh, मटेरियल था वो ब्लैकवर्स फॉर्म में था ड्रामेटिक इनकी जो पोइम्स थी वो ड्रामेटिक नैरेटिव्स में थी और उसकी जो पोइम्स थी वो फ्री ऑफ ऑनर थी मतलब कि वो सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई थी ठीक है अब रॉबर्ट uh, फ्रॉस्ट की जो uh, सबसे अहम जो अचीवमेंट है सबसे इम्प्रेसिव है वो उनकी ये खासियत है ये हम पीछे भी बायोग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इम्प्रेसिव uh, अचीवमेंट थी वो ये थी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कोलिकल लैंग्वेज यूज़ करते थे अपनी पोइट्री में ठीक है अब कोलिकल लैंग्वेज क्या होती है सिंपल एवरी यूज़ की जो लैंग्वेज होती है उसे हम कोलिकल लैंग्वेज कहते हैं अच्छा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोइम्स के बारे में कहा है कि अ गुड पोइम अ गुड पोइम बिगेन्स इन डी एंड एंडस इन विजडम हमें बहुत सी पोइम्स ऐसी देखने को मिलती हैं जो इस बात पर पूरा उतरती हैं अब जो दी है वो इस चीज़ को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है कि इसकी पोएम जो है वो सेंस और सेंसिबिलिटी से ही स्टार्ट होती है डिलाइट से लेकिन इसका एंड जो है वो लव और विजडम के ऊपर होता है अब सिंबोलिज्म और सिनेक्ट uh, की जो है ये एक्सेसिवली यूज़ किए गए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री में अब सिम्बोलिज्म uh, का तो हमें पता है लेकिन सनेक्ड की क्या होती है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि सब्सटीट्यूशन एक सब्सिट्यूटिंग uh, टर्म है लिटरेरी टर्म ठीक है इसमें एक चीज़ जो है वो एक वर्ड जो है वो पूरा अपनी स्टोरी ख़ुद ही बयान कर रहा होता है ठीक है अब फ्रॉस्ट ने कहा है कि आई स्टार्टेड कॉलिंग माई सेल्फ आनेक्टेट आ सनेक्ट किस्ट वन अदर कार्ड देम सेल्फ इमेजिस्ट और वर्टिसिस्ट अब बहुत सारे राइटर्स हैं और पोइट्स हैं जिन्हें हम इमेजिस्ट कहते हैं कोई क्या कहलाता है लेकिन सिनेक्टिकिस्ट और सिंबोलिस्ट जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ही कहा जाता है क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्यूटिफुली अपने मीनिंग को अपने पूरे कॉन्सेप्ट को एक वर्ड में एक्सप्रेस कर देते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री जो है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री में एलिट्रेशन पैराडॉक्स और हाइपरबोल और इसके अलावा आयरनी जो है ये हमें देखने को मिलती है एलिट्रेशन क्या होती है रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इस चीज़ की एग्जांपल हमें दी पास्चर और एन एप्पल पिकिंग उसके अलावा स्टॉपिंग बाबो ऑन अ स्नोई इवनिंग में मिलती है पैराडॉक्सिस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है पैराडॉक्स क्या होते हैं uh, कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें स्टेटमेंट uh, जो है वो अपने आप में ही कंट्राडिक्ट uh, कर रही होती है ठीक है इसका जो यूज़ है वो हमें फायर एंड आइस इसमें मिलता है हाईपर बोल ओवर एग्जेजन को कहते हैं अब हाइपर बोल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री में उसके अलावा आयरनी को ठीक है हाइपरबोल आफ्टर एप्पल पिकिंग इस पर में बहुत ज़्यादा इसका आ, यूज हमें मिलता है और आयरनी जो है द रोड नॉट टेकन इसमें आयरनी यूज़ की गई है अब द रोड नॉट टेकन सिम्बोलिकली ये किस चीज़ को रिप्रजेंट करता है इसमें आ, पोइट की है जो चॉइस है उसको बयान किया गया है उसमें दो डिफरेंट लाइंस को है उनकी पोइटिक डेवलपमेंट के बारे में बयान किया गया है सिंबॉलिकली ये इस चीज़, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन अगर हम देखें तो इसका जो बनीथ सरफेस कोई और मीनिंग है अब स्टॉपिंग वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग यह है सिंबॉलिक स्टेटमेंट है इसमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है अब एक इंसान की जो डिमांड्स होती हैं अब वो कौन कौन सी होंगी एक तो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ की होंगी दूसरी जो होंगी उसकी जो डिज़ायर्स हैं ठीक है थीके? अब वो इंसान जो है वो उसमें आ जाता है एम्बीवलेंस में कि क्या करे वो वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अपने प्रामिसज जो हैं उनको भी फुलफिल करना चाहता है लेकिन जो उसकी डिज़ायर्स हैं उन्हें भी वो पूरा करना चाहता है ठीक है अब वो चाहता है जैसे स्टॉपिंग बायो जो स्नोई इवनिंग में जो पोइट है उसकी सबसे बड़ी विश ही यही थी कि वो ना सारी अपना काम छोड़ के इस रात यहीं गुजार दे और इस स्नोफॉल को देखता रहे इस डार्कनेस को फील करे तो वो अब उसकी डिज़ायर तो यही है लेकिन उसने अपने प्रामिसज भी फुलफिल करने होते हैं इसलिए उसे जाना पड़ता है ठीक है अब ये आगे इसकी अब इन लाइंस से ही अच्छे से वाजे हो जाएगा स्टॉपिंग बब स्नोई इवनिंग की डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रमिसज टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप अब उसकी राइटर की जो विश थी वो डार्क और डीप फॉरेस्ट में रह के स्नोफॉल को इन्जॉय करना चाहता था लेकिन उसने बहुत सारे काम करने थे सोने से पहले या अब उसकी लाइफ जर्नी ख़त्म होने से पहले उसने बहुत सारे काम करने थे इसलिए उसे वापस जाना पड़ता है अच्छा अब ये एग्ज़ाम्पल्स जो है वो किस चीज़ की हैं कि ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं आफ्टर एप्पल पिकिंग और स्टॉपिंग बाईव स्नोई इवनिंग ये सारी जो है ये एग्ज़ाम्पल्स हैं कि किस तरह सिम्बोलिज़म रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री में यूज़ किया गया है ठीक है ये एक कंक्रीट एक्सपीरियंस स है एप्पल पिकिंग का अब इसमें क्या हुआ है कि हम ठीक है ज़ाहरी तौर तो पर तो ये नज़र आता है कि जो बूढ़ा किसान है जो फार्मर वो सारी जिंदगी फ्रूट्स ही पिक करता रहता है लेकिन वो क्या है उसकी सिंबॉलिक मीनिंग जो है उसका डिफरेंट है कि वो अपनी सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने जिंदगी की तमाम ज़रूरिया को पूरा करने के लिए मेहनत करता रहता है लेकिन फिर भी वो मेहनत जो है वो पूरी नहीं होती कम होती है For I have too much of apple picking, I am ओवर टायर्ड ऑफ़ द ग्रेट हारवेस्ट आई माई सेल्फ अब इंसान एक काम करके खुद भी उगता जाता है एक ही काम को पूरी ज़िंदगी करना अब अब पूरा ये जो एप्पल पिकिंग है पोएम ये उसकी लाइफ जर्नी को भी तो रिप्रजेंट कर रही है ना कि पूरी जिंदगी इंसान उस फार्मर ने मेहनत की है अब वो थक चुका है अपनी जिंदगी की मेहनत से अब वो आराम करना चाहता है आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ गया होगा किस तरह सिंबलिज्म की समझ आ गई होगी और किस तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक